देश में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल में 9 पैसे तो डीजल में 16 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। देखिए हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा की ये रिपोर्ट जिसमें उन्होंने जायजा लिया। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज एक बार फिर से पेट्रोल मामूली बढ़त के साथ ऊंचाइयां छू रहा है। आज के रेट की अगर हम बात करें तो पेट्रोल 9 पैसे की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में 83 रुपये 49 पैसे पहुँच चुका है। साथ ही डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल 74 रुपये 79 पैसे यानी कि 16 पैसे की बढ़ोतरी आज डीजल के दामों में देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जब 2014 में भाजपा की सरकार थी तो उस वक्त ऐसे दावे किए जाते थे कि अगर भाजपा सरकार में आएगी तो महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन आज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो सीधा तौर पर सरकार के दावों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं सीधा तौर पर जनता की जेब पर काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग एक बजट तैयार करते हैं और वो बजट पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, आप पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे, क्या कॉमेंट है आपका इस पर? सर सबसे पहली बात तो ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। हम पेट्रोल डलवाते थे, हमारी टंकी फुल 320 330 में फुल हो जाती थी और अब 400 साढ़े 400 का रेट हो जाता है। इतना परेशान हो चुके हैं कि कहां तक करेंगे ये सब। मोदी जी हमारे बोलते थे कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, जब कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम पे तो मोदी जी को बड़ा चर्चा के लिए वोट लेने के लिए सब कुछ चाहिए था कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, डीजल के दाम इतने बढ़ गए। अब क्या चीज़ है, अब भी तो इतना सब कुछ बढ़ रहा है, अब क्यों नहीं दिख रहा मोदी जी को? और उनकी सरकार के लोग, नेता लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई पेट्रोल डीजल पे हाथ नहीं है, तो ये सब क्या है फिर? कौन रेट बढ़ा रहा है? आप ही के हाथ में, आपकी सरकार पूरी राज्य में है, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, तो आप ये कर क्या रहे हैं? हम जैसे नौजवान युवा लड़के कहाँ जाएंगे? रोज़गार आप नहीं दे रहा है और पेट्रोल इतना बढ़ा चुके हैं कि जेबें खाली हो रही हैं, कमाने के लिए हमारे पास इतना कुछ है नहीं और पेट्रोल में लगाएं सब कुछ, तो ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये है कि पेट्रोल और डीजल सीधा तौर पर ट्रांसपोर्ट पर असर करता है। क्या लगता है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की कमाइयाँ भी बढ़ रही हैं, अर्निंग्स बढ़ रही हैं लोगों की? सर वो तो कमाइयाँ तो तब बढ़ेंगी ना जब कारोबार होगा, रोज़गार ही नहीं है कहीं से भी, तो रोज़गार के लिए इंसान बहुत मेहनतें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये जो है देखिए आप, पेट्रोल इतना बढ़ चुका है कि हम बहुत परेशान आ चुके हैं, इसीलिए हम बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। बिल्कुल, यही साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही लोगों की कमाइयाँ उसी हिसाब से घटती भी जा रही हैं, क्योंकि रोज़गार भी लगातार देश में कम होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लोगों को काफ़ी सता रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी है और जनता की जेब पर काफ़ी असर पड़ रहा है और उम्मीद लोग यही कर रहे हैं कि सरकार इस पर कुछ करे, सरकार इस पर कुछ जो है अपना कदम उठाए कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ये साफ कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो उनके हाथ में नहीं है, यानी कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं उस पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक पेट्रोल और डीजल के दाम कंट्रोल होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं ये सीधा तौर पर जनता की जेब पर एक जेब तराशने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल।